हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जैसा कि आपको जानकारी है कि हम लोग अपने जो वेक्टर की सीरीज़ है उसमें काफ़ी सारे वेक्टर्स के बारे में कंटिन्यूसली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने PBR322 के बारे में और पग प्लाज्मिड के बारे में ऑलरेडी बात की थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप फेज प्लाज्मिड्स के बारे में बात करें, तो आज का लेक्चर जो है वो स्पेसिफिकली फेज प्लाज्मिड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए है। सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम बात करेंगे लैम्डा फेजेस की या M13 के बारे में भी बात करेंगे। आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं फेज प्लाज्मिड्स को, फेज जो बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो देने वाले हैं बैक्टीरियोफेजेस का, वो किस तरीके से किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कौन कौन सी साइकिल्स वो कंडक्ट करते हैं, इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपको हमारे चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दिया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप अपना मोटिवेशन हम तक पहुंचा सकते हैं और हम मोटिवेटेड होकर के लिए आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो हमारा टाइटल है, इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स अ की टूल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जी हाँ, बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्लाज्मिड्स तो हैं ही, इसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये और ज़्यादा बड़ा जेनेटिक कंटेंट और ज़्यादा बड़ा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर के जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको इस चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी बैक्टीरिया के अंदर पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर्स जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उनके पास इंट्रिंसिक कैपेसिटी है कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर ही सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो आपको उसका टेंशन ही नहीं लेना है कि किस तरीके से हमारा प्लाज्मिड या हमारा जैसे कि बाकी कोई वेक्टर होता है वो किस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर पहुंच पाएगा। तो ये तो इन्फेक्शन ही कॉज करते हैं, इनका काम ही है, ये ऐसे वायरसेज हैं जिनको काम ही जिनका है कि वो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, इस इमेज में कहना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अगर हम देखें तो दिस इज़ योर, ये क्या चीज़ है, ये आपका वेक्टर ही है, बैक्टीरियोफेज ही है। दिस इज़ योर बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो ये बैक्टीरियोफेज ही है। और ये क्या कॉज करने की कोशिश कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश कर रहा है। इन्फेक्शन कैसे कॉज करेगा, यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटीरियल होगा, अपने जेनेटिक मटीरियल को इस बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या चीज़ है, यहाँ पर बैक्टीरिया है। आपको साइज़ में इतना ज़बरदस्त डिफरेंस लग रहा होगा, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। यहाँ पे साइज़ में इतना बड़ा डिफरेंस इसलिए लग रहा है क्योंकि वायरस का साइज़ जो है बैक्टीरिया के साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, इसीलिए साइज़ में इतना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स की। बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स ये क्या होते हैं, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस, सबसे पहले इस टॉपिक से या इस पॉइंट से शुरू करते हैं, ये बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं, दीज आर वायरसेस। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हो गया, बैक्टीरियोफेजेस होते क्या हैं, दीज आर वायरसेस, ऐसे वायरसेस जो कि अटैक कर सकते हैं किसी बैक्टीरिया को। तो सच वायरसेस दैट कैन अटैक बैक्टीरियल सेल्स। ठीक, अब बैक्टीरियोफेजेस यानी कि ये ऐसे बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब हो गया एक तरीके का वायरस हो गया, और बैक्टीरियोफेज का मतलब ये हो गया कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, इसी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेजेस वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, या दो तरीके की साइकिल्स को वहाँ पे दो तरीके की साइकिल्स के थ्रू इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। पहली साइकिल जो होती है उसको हम बोलते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है या इसका रिजल्टेंट क्या होता है, लाइटिक साइकिल में जैसे ही वायरस बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा या जैसे ही वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया के जो सेल की डेथ हो जाती है। यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया के सेल के अंदर एंट्री लेगा, उसकी पूरी की पूरी जो मशीनरी है, जेनेटिक मशीनरी है, उसको टेक ओवर कर लेगा, और उसको टेक ओवर करने के बाद वो जब उसका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, वो खूब सारी अपनी कॉपीज बना चुका होगा, उसके बाद क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस कर देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम कह रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरियल सेल लाइसिस। और इसी वजह से साइकिल का नाम हो जाता है लाइटिक साइकिल। क्या नाम हो जाएगा, लाइटिक साइकिल। तो कोई पूछे कि लाइटिक साइकिल क्या होती है, तो
जेनेटिक साइकिल में क्या होता है, जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, उसका जेनेटिक मटेरियल पूरे के पूरे बैक्टीरियल मशीनरी को टेक ओवर कर लेता है, अपने मतलब के प्रोटीन्स वगैरह बनाता है, और तो और अपना नंबर इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब उसका काम ख़त्म हो जाता है, सारा बैक्टीरियल मशीनरी को यूज़ कर चुका होता है, अपनी नंबर ऑफ़ कॉपीज बढ़ा चुका होता है, उसके बाद वो बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट करवा के या बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा करके बाहर निकल जाता है और फिर अगले शिकार की तलाश में पहुंच जाता है, यानी कि दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए पहुंच जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई आपकी लाइटिक साइकिल की। लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी फेजेस होते हैं जो कि लाइटिक साइकिल में बिलीव नहीं करते, ज्यादा मार काट में बिलीव नहीं करते, इनको हम बोलते हैं लाइसो, यहां पे जो साइकिल चल रही होती है उसको बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। क्या बोल सकते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, इमीडिएटली वायरस जो है जाकर के बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको किल नहीं करता है, यहाँ पे वायरस जो है बहुत लंबे लेटेंट फेज में मौजूद हो जाता है, यानी कि बहुत लंबे से एक लेटेंट फेज में पड़ा रहता है, और जब समय आता है तो वापस लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इन केस ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल क्रोमोसोम इंटीग्रेशन टेक्स प्लेस। तो क्रोमोसोम इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, अगर आप देखें ये मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया का अपना यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इसका क्रोमोसोमल मटेरियल यहाँ पे होगा, लेकिन जब वायरस एंट्री करेगा यहाँ से अगर हम देखें, तो सपोज करिए कि ये वायरस है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर यहाँ पे भेजा। अब क्या होगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस क्रोमोसोमल मटेरियल के साथ इस तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और साथ ही साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपस में इंटीग्रेट हो गए। अब क्या होगा, क्रोमोसोमल इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होने लगेगा, यानी कि इसका जो जेनेटिक, जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाएगा, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई करता जाएगा, उसी तरीके से वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस मल्टीप्लिकेशन के बाद इस बैक्टीरिया की किलिंग नहीं हो रही है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, अपना सारा काम निकलवाने के बाद इस बैक्टीरिया की किलिंग हो गई थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है या जैसे जैसे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटीरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी तरीके से हमारे वायरस का भी जेनेटिक मटीरियल मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, एम्पलीफाई होता चला जा रहा है। तो ये कहानी हुई लाइसोजेनिक साइकिल की। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। सच टाइप ऑफ फेजेस आर कॉल्ड एज प्रोफेजेस। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि ऐसे फेजेस को, ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को जो कि लाइटिक साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे फेजेस को आप क्या बोलते हैं। याद रखना है, ऐसे फेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफेज बोलेंगे, या दूसरा नाम कह सकते हैं टेम्परेट फेज बोलेंगे, या लाइसोजेनिक फेज बोलेंगे। तो ये सारे के सारे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे नाम याद रखिएगा, कौन कौन से, टेम्परेट फेज, प्रोफेज, लाइसोजेनिक फेज, ये तीनों के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट। लाइसोजेनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये लाइसोजेनिक साइकिल कंडक्ट करवा रहा है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। लेटर ऑन प्रोफेज में डिसोसिएट फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब क्या होता है, बहुत लंबे समय बाद लेटेंट फेज के बाद क्या होगा, कोई एक ऐसा दिन आएगा जिसमें क्या होगा, कुछ कंडीशंस चेंज होंगी, जिसकी वजह से जो वायरस था जो अभी तक बिल्कुल लेटेंट फेज में पड़ा हुआ था वो एकदम से स्टिम्युलेट होगा, और स्टिम्युलेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो तुरंत का तुरंत लाइसोजेनिक साइकिल को छोड़ करके, त्याग करके, वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा लाइटिक साइकिल के अंदर। और जैसे ही लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट होगा, तो जो भी आपने पीछे सीखा था लाइटिक साइकिल में जो प्रोसेस चल रहा था, वही का वही प्रोसेस अब यहाँ पे चलने लग जाएगा। तो यही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, लेटर ऑन प्रोफेज में डिसोसिएट फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड कंडक्ट लाइटिक साइकिल। तो वही खून खराबा जो है पीछे जो चल रहा था वही शुरू हो जाएगा यहाँ पर भी। तो लाइसोजेनिक साइकिल किस में कन्वर्ट हो गई, लाइटिक साइकिल में। तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, बहुत बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग लाइसोजेनिक साइकिल ही चलती रहती है, ऐसा कन्वर्जन नहीं देखा जाता, बट ऐसा हो भी सकता है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज कैन सर्व एज क्लोनिंग वेक्टर्स। हमारा क्या पर्पज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बैक्टीरियोफेज किस काम आ सकता है। अभी अभी हम लोगों ने PBR322 और पक वायरसेस के बारे में, पक वेक्टर्स के बारे में बात की थी, तो
आज के केस में अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेजेस का क्या यूज हो सकता है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बैक्टीरियोफेज के पास अपनी प्रॉपर्टी है कि वो बैक्टीरिया को सीधे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, यानी कि अपना जेनेटिक मटीरियल सीधे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटीरियल के अंदर पहुंचा सकता है या बैक्टीरिया के अंदर पहुंचा सकता है। यही तो हम चाहते थे, आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या करना चाहते थे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट सीधे बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाए। यही तो हम करवाते आ रहे हैं बाकी वेक्टर से, यही तो कर रहे थे PBR322 में, यही तो कर रहे थे पक प्लाज्मिड के अंदर। लेकिन यहां पे क्योंकि वायरस के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, तो आपको यहां ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस आपको अब उस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटीरियल में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है, उसके बाद सारा का सारा खेल ये संभालेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेजेस कैन सर्व एज क्लोनिंग वेक्टर्स, तो बैक्टीरियोफेज जो हैं वो वेक्टर्स के तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स के तरीके से। क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, इनका काम क्या होगा, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई करते हुए चले जाना, उसका नंबर बढ़ाते हुए चले जाना, तो ये चीज हो जाएगा। अब जो बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर हम आगे की वीडियोस बनाएंगे उसमें हम M13 के बारे में बात करेंगे और लैम्डा फेजेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लैम्डा फेजेस और M13 बात नहीं करेंगे आज, तो हमको आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना था कि क्या होते हैं बैक्टीरियोफेजेस। तो ये हो गया लैम्डा फेजेस और M13 फेजेस, ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर का। सबसे पहले देखिए ये एक तरीके का नॉर्मल वायरस है, इसके ऊपर जो है ये कैप्सिड का हेड दिया हुआ है, इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड, जनरली DNA होता है। इसके बाद यहाँ पे इसका कॉलर है, आप देख सकते हैं जस्ट कैप्सिड हेड के नीचे यहाँ पे कॉलर है, कॉलर के नीचे ये शीथ है, शीथ जो है वो कनेक्ट कर रही होती है कॉलर को और बेस प्लेट को, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बेस प्लेट है, बेस प्लेट के नीचे स्पाइक्स हैं जो अगेन अटैचमेंट में काम करती हैं, और यहाँ पे है टेल फाइबर्स। क्या है? टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स का क्या काम होता है, जब किसी चीज़ के ऊपर उनको अटैच होना होता है तो वहाँ जा करके एक सरफेस के ऊपर कॉन्टैक्ट लेने के लिए इन टेल फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं अटैचमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है टेल फाइबर्स की। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका बैक्टीरियोफेज वायरसेस का। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक ज़बरदस्त वीडियो। तो ये देखिए, ये मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये आपका बैक्टीरियोफेज है, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरसेस दिख रहे हैं, ये आपका बैक्टीरिया है, और यहाँ पे देखिए ये बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर कॉन्टैक्ट बना लिया अपने इस टेल के मदद से। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर रहा है इस बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। मल्टीपल, इस तरीके से देख सकते हैं, एक ही बैक्टीरिया के अंदर मल्टीपल बैक्टीरियोफेजेस अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं ये प्रोसेस क्या है, पूरा का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें प्लाज्मिड वेक्टर के केस में, आपने क्या देखा अभी तक, हम लोगों ने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा हुआ है, PBR322 पढ़ा था, पक प्लाज्मिड पढ़ा था। तो अगर आप प्रोसेस देखें प्लाज्मिड वेक्टर में क्या होता था, प्लाज्मिड वेक्टर लीजिए, फिर बैक्टीरियल सेल लीजिए, फिर उनका क्लोनिंग एंड सेलेक्शन करवाइए, फिर रिकवरी ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA करिए, ये प्लाज्मिड DNA का काम था। यहाँ पे हमको मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ रहे थे, याद है ना आपको, पहले रिकॉम्बिनेंट DNA बनवाइए, फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करवाइए, फिर उसका सिलेक्शन करवाइए, स्क्रीनिंग करवाइए, एम्पलीफिकेशन करवाइए, बहुत सारा जाम था, ठीक। तो ये सारा का सारा काम प्लाज्मिड वेक्टर के लिए था, हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियोस में। अब आगे देखते हैं बैक्टीरियोफेज के केस में ये बहुत आसान हो जाता है, क्यों आसान हो जाता है ये भी देखते हैं। यस, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक फेज वेक्टर लेना है, फेज वेक्टर के अंदर ऑलरेडी आपने अपना जेनेटिक मटेरियल जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुँचा रखा है, क्या कर रखा है जी, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें पहले से ही मेरा है, फेज वेक्टर के अंदर पहले से ही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अब जैसे ही इसको बैक्टीरियल लॉन के कॉन्टैक्ट में डालेंगे, सर ये बैक्टीरियल लॉन का मतलब क्या है, एक पीट्री डिश ले लीजिए, इस पीट्री डिश में पूरी तरीके से बैक्टीरिया को ग्रो करवा दीजिए, इसको बोल रहे हैं बैक्टीरियल लॉन। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल लॉन। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होटलों में बहुत लंबा सा लॉन होता है, एकदम पूरा घास से भरा हुआ होता है। अब जाकर के किसी जगह पे जाकर के आप घास काटने वाली मशीन चला दीजिए तो क्या होगा, उतना एरिया जो है वो साफ हो जाएगा, बिल्कुल मिट्टी दिखने लगेगी उस जगह पर, आपकी उस जगह की घास खत्म हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है, जैसे ही आप फेज वेक्टर बैक्टीरियल लॉन के कॉन्टैक्ट में डालेंगे, ईच फेज पार्टिकल फॉर्म्स अ प्लेक।
क्या होगा, जो भी जिस भी बैक्टीरिया के ऊपर जो भी बैक्टीरिया जो जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट होगा फेज के द्वारा, वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे दिखने लगेगा एक प्लेग दिखने लगेगा, यानी कि वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी जो है वो लाइस हो चुकी होगी। दिखाता हूँ मैं कैसे, मैं क्या बात कर रहा हूँ, देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया लॉन होगा, पूरा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होगा। अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे इस तरीके से डॉट 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 दिख रहा है, ये सारा का सारा जगह क्या है, ये प्लेग बन गया है, यानी कि जो भी वायरस था वो उसके अंदर एंट्री लिया होगा और उसके बाद वहाँ पे लाइसिस कॉज कर दिया होगा। तो ये सारे के सारे प्लेग हैं, इससे आपको पता चल जा रहा है कि वायरस ने हमारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया। और एक बार अगर वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेप्स में जाने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप में एक चीज़ आपको दिखा रहा है कि हाँ भाई मैंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है। तो ये कहानी होगी। नेक्स्ट आइए, एडवांटेजेस क्या क्या हैं किसकी, जब हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स की, तो बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स की क्या क्या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस हैं एज़ कम्पेयर टू पक प्लाज्मिड या PBR322 प्लाज्मिड, चलिए देखते हैं। सबसे पहले, मोर एफिशिएंट फॉर क्लोनिंग लार्ज डीएनए फ्रैगमेंट। अगर आपका डीएनए फ्रैगमेंट बहुत बड़ा है तो याद रखिएगा प्लाज्मिड से बेहतर हो जाएगा आपका फेज। तो प्लाज्मिड जो है वो लेस देन 15 KB जेनेटिक मटीरियल से कम प्लाज्मिड मैक्सिमम लेकर के जा सकता है, लेकिन अगर आप लैम्डा फेज की बात करेंगे तो लगभग लगभग 24 केबी से ज़्यादा का जेनेटिक मटेरियल ले जाने की क्षमता होती है आपके लैम्डा फेज के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात होगी लैम्डा फेज जो है वो ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल ले जाने के लिए कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट, ईजियर टू स्क्रीन फेज प्लेग। सभी भी मैंने आपको बताया कि प्लाज्मिड में स्क्रीनिंग करने के लिए बहुत सारा जाम है, बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, खुद चीख चीख के बताता है कि मैंने इन्फेक्शन कॉज कर दिया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस आपको याद रखनी है, किस केस में, आपके बैक्टीरियोफेजेस और जो आपका प्लाज्मिड के बीच में, ये इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कि लैम्डा फेजेस क्या होते हैं और M13 फेजेस क्या होते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।